जी हाँ, ये वही पटना है जो बिहार की राजधानी है, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं, डिप्टी सीएम रेणु देवी रहती है और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रहते हैं। जी हाँ, ये वही पटना है जहाँ सबसे ज्यादा छापेमारी के बाद अवैध शराब पाए जाते हैं, जहां सबसे ज्यादा शराब के अवैध कारोबार किए जाते हैं और जहां सबसे ज्यादा शराब की होम डिलीवरी भी की जाती है। जी हाँ, ये वही पटना है जहां सीएम नीतीश कुमार के नाक के नीचे ये सब कुछ किया जा रहा है। बता दें कि लगातार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई तरह के गंभीर आरोप सीएम नीतीश कुमार पर पहले भी लगा चुके हैं। तेजस्वी यादव का साफ तौर से कहना है कि सीएम आवास पर भी छापेमारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बिहार में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है, ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। जहां एक तरफ वो समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं, शराब के अवैध कारोबार को बंद करवाने की बात उनकी तरफ से की जा रही है, तो वहीं राजधानी पटना में ये बड़ा खेल खेला जा रहा है। बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा अवैध शराब अगर कहीं पाए गए हैं तो वो है राजधानी पटना में। बता दें कि मद निषेध आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने कहा है कि दिसंबर 2021 में विभाग और पुलिस द्वारा राज्य में 65,207 से अधिक छापेमारी की गई और 4 लाख लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। आयुक्त ने बताया है कि शराब की होम डिलीवरी का सबसे ज्यादा मामला पटना में सामने आया है। 26 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 के बीच होम डिलीवरी होने वाले 117 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं 31 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 के बीच महज 24 घंटे में ही विशेष अभियान चलाकर 35,000 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब जब्त किया गया है। इस अवधि में 1,313 लोगों की गिरफ्तारी और 180 वाहन जब्त किए गए हैं। तो लगातार जहां एक तरफ तेजस्वी यादव एक के बाद एक सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि आखिर बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के बावजूद इस तरह से अवैध शराब का कारोबार क्यों हो रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने वो तस्वीरें देखी जब बिहार विधानसभा में शराब की खाली बोतलें पाई गई, अलग अलग जगह से जो शराब की बोतल है वो देखने को मिलती है। और यही वजह है कि एक के बाद एक जो आरोप है वो तेजस्वी यादव की तरफ से सीएम नीतीश कुमार पर लगाए जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया कि अगर सीएम आवास पर छापेमारी की जाती है तो वहां से भी बहुत कुछ बरामद होगा। तो लगातार तेजस्वी यादव के आरोप एक तरफ, लेकिन अगर हम रिपोर्ट की बात करें जो मद निषेध विभाग की तरफ से जारी किया गया है, उसके अनुसार भी सबसे ज्यादा शराब के अवैध कारोबार अगर कहीं होते हैं तो वो है राजधानी पटना में, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं, डिप्टी सीएम रेणु देवी है, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद है, लेकिन उनके नाक के नीचे ये खेल बिहार में खेला जा रहा है। और यही वजह है कि ये सवाल उठता है कि आखिर ये किस समाज सुधार यात्रा पर सीएम नीतीश कुमार निकले हुए हैं, जहां एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और किसी को कोई भय नहीं है, किसी के अंदर कोई डर नहीं है और खुलेआम जो शराब का कारोबार है वो बिहार में किया जा रहा है। भले ही लाख दावे किए जा रहे हो, लेकिन इसके बावजूद जो रिपोर्ट इस वक्त मद निषेध विभाग की तरफ से जारी की गई है, इसी का हवाला देते हुए एक बार फिर से आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया है और सवाल पूछा है कि आखिर ये कौन सी कानून व्यवस्था है जहां सबसे ज्यादा शराब की अवैध कारोबार किए जाते हैं और सबसे ज्यादा शराब की होम डिलीवरी भी की जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।